पांच गांव की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज के नगला भूपाल में रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पांच टीमों ने प्रतिभाग किया। वहीं आयोजक जितेंद्र यादव और चाचा यादव विधानसभा अध्यक्ष प्रसवा ने जानकारी देते हुए बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, पांच टीमों ने प्रतिभाग किया है। प्रतियोगिता में नानामऊ, मौलापुर, नगला मधे और इमलिया गांव की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, जीतने वाली टीम को 1500 रुपए कैश और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। आदित्य प्रताप सिंह, सिरसागंज, फिरोजाबाद, समाचार 24। मैं जितेंद्र उर्फ चाचा यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष। यहां आज मैंने ग्राम नगला भोपाल में कबड्डी प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा हुआ है, जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में है और ये अब हर एक वर्ष इसी तरह से रखा जाएगा। कितनी टीम खेल रही है इसमें और क्या इसका पूरा हुआ? एक नगला भोपाल की टीम है और एक आपकी नगला इमलिया है उसकी टीम है, और नगला नानीमऊ है वहाँ की टीम है, और नगला भोपाल की टीम है। एक टीम मक्खनपुर से भी आ रही है। ऐसे करके करीब चार पांच टीमें आ चुकी हैं और अभी टीमें और आने की संभावना। कब तक ये प्रोग्राम रखा है? ये प्रोग्राम आज करीब ये मानिए रात के 12 बजे तक चलेगा। अच्छा, जीतने वाले को 1100 रुपये और मेडल देकर पुरस्कार सम्मानित किया जाए, जीतने वाली टीम को, और उपविजेता को 1000 रुपये दिए जाए।